हेलो स्टूडेंट, कल हमने पावर वायरिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, ठीक है। कुछ रूल्स वगैरह पढ़े थे, ठीक। कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ी थी कि हमारे क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। अब हम जो है उसके कुछ MCQs हैं, उनको पढ़ेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पावर वायरिंग में चालकों को ले जाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक। पावर वायरिंग में चालकों को ले जाने के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन ए है मेटल कंड्यूट पाइप, PVC पाइप, वुडन पाइप या एनी ऑफ अबव, ठीक है। तो पावर वायरिंग में चालकों को ले जाने के लिए हमारा जो कंड्यूट पाइप होता है वो हमारा मेटल कंड्यूट पाइप यूज़ होता है, ठीक है। हमेशा पावर वायरिंग में चालकों के लिए मेटल कंड्यूट पाइप यूज़ होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर वायरिंग की जाती है दीवारों पर, छत पर, दीवारों के भीतर या नॉट का मतलब है यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक। तो हमारी कहाँ पावर वायरिंग हमेशा दीवारों के ऊपर की जाती है, ठीक है, दीवारों पर की जाती है, ठीक। चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, IE रूल 50 और 51 किससे संबंधित हैं। हमने पढ़े थे IE रूल, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, पावर वायरिंग, अर्थिंग, डेंजर प्लेट या नॉन ऑफ दिस। तो ये हमारे पावर वायरिंग से संबंधित है, ठीक है। रूल्स 50 और 51 हमने पढ़े थे ना, थ्योरी पढ़ी थी पावर वायरिंग से रिलेटेड, तो उसमें ही हमने पढ़े थे रूल 50 और 51। तो ये हमारे पावर वायरिंग से संबंधित है, ठीक। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ठीक। कुछ ज़्यादा टफ नहीं आएगा, छोटे छोटे MCQs आएंगे, जो हमने रूल्स वगैरह पढ़े उन्हीं से MCQs बन जाते हैं, ठीक है, उन्हीं में से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, मोटर के वायरिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक। मोटर के वायरिंग के लिए यूज़ होता है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, क्लीड वायरिंग, वेटन वायरिंग या नॉन ऑफ दिस। तो मोटर की वायरिंग में जो वायरिंग जो यूज़ होती है सरफेस कंड्यूट वायरिंग यूज़ होती है, ठीक। तो राइट आंसर इज़ ए, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, ठीक। राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पावर वायरिंग का पार्ट नहीं है, ठीक। पावर वायरिंग में कौन सा पार्ट इसमें पावर वायरिंग का नहीं है, कौन सा पार्ट यूज़ नहीं होता पावर वायरिंग में। 15 एम्पियर सॉकेट, बुशिंग, पावर सॉकेट या नन ऑफ दिस। पावर सॉकेट का मतलब 15 एम्पियर का सॉकेट, ठीक है, ये पावर सॉकेट होता है। तो कौन सा पार्ट नहीं है, ए, ठीक है। 5 एम्पियर सॉकेट हमारा क्या है, पावर वायरिंग का पार्ट नहीं, क्यों, क्योंकि 5 एम्पियर जो हमारा सॉकेट होता है वह हमारा लाइट और फैन सर्किट में यूज़ करा जाता है, ठीक है, पावर वायरिंग में यूज़ नहीं करा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, पावर वायरिंग में स्टार्टर की फर्श से दूरी होती है, स्टार्टर की फर्श से दूरी, जो स्टार्टर होता है हमारा मोटर का उससे फर्श से दूरी, उसकी फर्श से ऊंचाई कितनी होगी, 1.5 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर या नन ऑफ दिस। तो हमारी 1.5 मीटर होती है, ठीक है, फर्श से ऊंचाई, उसकी स्टार्टर की फर्श से ऊंचाई रखी जाती है, वह मोटर को स्टार्ट करने के लिए वह हमारी 1.5 मीटर रखी जाती है, ठीक है, फर्श से दूरी, फर्श से ऊंचाई। नेक्स्ट है, यदि इंडक्शन मोटर 15 HP का है तो स्टार्टर यूज़ होगा। हमारे इंडक्शन मोटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, यह 15 HP की रेटिंग का है, 15 हॉर्स पावर का, तो कौन सा स्टार्टर यूज़ करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा या दोनों या नन ऑफ दिस। तो हम स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं, ठीक है, और 15 एच पी से अधिक का होगा तो उसके लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज़ करते हैं, ठीक, और 5 HP तक के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो 15 HP है तो 15 HP तक के मोटर के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज़ बी, ठीक। ये इंडक्शन मशीन पढ़ी होगी आप लोगों ने, मशीन सेकंड में, फिफ्थ सेमेस्टर में, तो उसमें पढ़ा होगा, ठीक है, मोटर का स्टार्टिंग, इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है, पावर वायरिंग का HR मतलब हॉरिजेंटल रन, 36 दौड़ जिसको बोलते हैं, होती है, कितनी होती है, ये हमारी 2.5 मीटर, 4 मीटर, 0.5 मीटर या नन ऑफ दिस। तो ये हमारी 2.5 मीटर होती है हॉरिजेंटल रन इसमें, ठीक है, पावर वायरिंग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन, पावर वायर में मोटर की स्थिति दीवार से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए। ठीक, जैसे मान लो ये दीवार है हमारी, ठीक, ये हमारा कमरा है, ठीक, तो हमें क्या मोटर लगानी है इसमें, तो ये दीवार है, ठीक, तो मोटर की स्थिति इस दीवार से, ये मान लो मोटर लगा दी हमने, ठीक, ये मान लो हमारी मोटर है, ठीक है, ये हमारी मोटर है, ठीक है, हमने मान लिया, तो इसकी इस दीवार से दूरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, 2 मीटर, 0.70 मीटर, 5 मीटर या नन ऑफ दिस, तो ये हमारी 0.7 मीटर होनी चाहिए, कहीं कहीं दे रखा होता है ये 700 सेंटीमीटर, सॉरी 70 सेंटीमीटर, ठीक है, कहीं कहीं ये 70 सेंटीमीटर दे रखा होता है, ठीक, या 700 mm दे रखा होता है, तो ये हमारी कितनी कब सात, बात एक ही समझ जाओगे, तो ये क्या हमारी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम दूरी मोटर की स्थिति दीवार से कम कितनी दूरी पर होनी चाहिए, 0.7 मीटर दूरी पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर वायर में यूज़ होने वाला एलुमिनियम चालक होता है, ठीक है, जो पावर वायर में हम एलुमिनियम चालक यूज़ करेंगे उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उसका एरिया कितना होना चाहिए, ठीक, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक, 2.5 mm square, 4 mm square, 6 mm square या 0.6 mm square, तो ये हमारा कितना होता है, 2.5 mm square होनी चाहिए उसका एरिया, ठीक, पावर वायरिंग में जो एलुमिनियम अगर हम चालक यूज़ कर रहे हैं तो उसका एरिया 2.5 mm square होना चाहिए, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर वायर में एक सर्किट में कितने अर्थिंग सेट होते हैं, पावर वायर में एक सर्किट में कितने अर्थिंग सेट होते हैं, 3, 4, 2 और नन ऑफ दिस, तो इसमें 2 अर्थिंग सेट होते हैं, ठीक है, पावर वायरिंग में एक सर्किट में 2 अर्थिंग सेट होते हैं, ठीक, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक, मोटर को कितनी जगह से अर्थ किया जाता है, 2 जगह से अर्थ किया जाता है, ठीक, ये हमने पढ़ा था, ठीक, तो पावर वायरिंग में अर्थिंग के 2 सेट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर में स्टार्टर व मोटर टर्मिनल के बीच किस प्रकार की कंड्यूट लगाई जानी चाहिए, जो मोटर होता है, ठीक, उसमें स्टार्टर और मोटर टर्मिनल के बीच किस प्रकार की कंड्यूट लगाई जानी चाहिए, ठीक, एक होता है स्टार्टर, मोटर होता है मोटर के ऊपर मोटर टर्मिनल होते हैं, ठीक, और एक होता है स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो उस स्टार्टर और मोटर के टर्मिनल के बीच किस प्रकार की कंड्यूट होनी चाहिए, रिविड, फ्लेक्सिबल, बोथ या नन ऑफ दिस, तो हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए वो, ठीक, जो हम मोटर के स्टार्टर और टर्मिनल के बीच जो कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं वह हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा था कल, ठीक, थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर सर्किट में फ्यूज डैश से सुरक्षा प्रदान करता है, मोटर सर्किट में जो हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं वह किस चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है हमारा, ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड से, ओवर वोल्टेज से या नन ऑफ दिस, तो हमारा ये शॉर्ट सर्किट और ओवर वोल्टेज दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ठीक, मोटर में हम फ्यूज यूज़ करेंगे शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट ना देकर केवल ओवरलोड दे रखा होता है, ठीक, तो भाई हमारा ओवरलोड, वहाँ हम ओवरलोड लगाएंगे, अगर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों दे रखें तो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड दोनों लगाएंगे, ठीक, केवल ओवरलोड होगा तो ओवरलोड ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर इंस्टॉलेशन में फ्लेक्सिबल कंड्यूट की मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, मोटर जो हम इंस्टॉलेशन है उसमें कंड्यूट की फ्लेक्सिबल जो कंड्यूट है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, लेस देन 1.25 मीटर, लेस देन 2.25 मीटर, लेस देन 3.5 मीटर या नन ऑफ दिस, तो ये लेस देन 1.25 मीटर होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल जो कंड्यूट यूज़ करते हैं मोटर इंस्टॉलेशन में उसकी जो लेंथ होती है लेस देन 1.25 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वायरिंग की विधि है, निम्न में से वायरिंग की विधि है, जॉइंट बॉक्स, टी सिस्टम, लूप इन सिस्टम या ऑल ऑफ अबव, तो जॉइंट बॉक्स भी क्या है, एक वायरिंग की विधि है, टी सिस्टम भी, ट्री सिस्टम भी वायरिंग की विधि है, लूप इन सिस्टम एंड ऑल ऑफ अबव,
तो ये सारी हमारे क्या वायरिंग की विधियाँ हैं, ठीक है, अलग अलग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्लायर्स फ्यूज विच इज प्रोवाइडेड इन डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम इज, जो हमारा डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम में सप्लायर फ्यूज जो प्रोवाइड कराया जाता है वह कहाँ कराया जाता है, आफ्टर द एनर्जी मीटर, बिफोर एनर्जी मीटर, आफ्टर द एनर्जी मीटर, बिफोर द एनर्जी मीटर, बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, या आफ्टर द मेन स्विच। तो आफ्टर एनर्जी मीटर कराया जाता है, ठीक, ये हमने पढ़ा था। जो हमारा सप्लायर फ्यूज होता है वह डोमेस्टिक वायरिंग में सिस्टम में एनर्जी मीटर के बाद प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर वायरिंग में एक से पावर वायरिंग में एक सर्किट में मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं पावर वायरिंग में, मैक्सिमम एक सर्किट में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, 2.15 एम्पियर सॉकेट सहित 10 पॉइंट, या 2.5 एम्पियर सॉकेट सहित, या नन ऑफ दिस। तो पावर वायरिंग में 15 एम्पियर का सॉकेट हमारे यूज़ होता है, तो उस एक स्विच होता है उसमें और एक सॉकेट होता है, तो केवल मैक्सिमम 2 पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं पावर वायरिंग में, ठीक है। पावर वायरिंग के एक सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट, जिसमें एक स्विच होगा पावर स्विच और एक पावर सॉकेट होगा 15 एम्पियर का, ठीक। तो राइट आंसर इज ए, 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 2 पॉइंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारा 15 एम्पियर का सॉकेट भी होगा, ठीक। तो इस तरीके से होगा, एक स्विच होगा हमारा वहाँ पे, ठीक है, पावर स्विच, और एक हमारा 15 एम्पियर का सॉकेट होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट होंगे 15 एम्पियर के सॉकेट को लगाकर, ठीक, पावर वायरिंग में। नेक्स्ट है, पावर वायरिंग में एक सर्किट में मैक्सिमम लोड होना चाहिए पावर वायरिंग के, और हाँ, ये पावर वायरिंग की बात हो रही है ना, और हमारे लाइट और फैन वाली जो वायरिंग होती है उसकी एक सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक। उसमें 5 एम्पियर का सॉकेट लगाते हैं, इसमें 15 एम्पियर का सॉकेट होता है, उसमें 5 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट यूज़ होता है, ठीक। तो उसमें क्या है, मैक्सिमम उस 5 एम्पियर की सॉकेट को लगाकर उसमें मैक्सिमम 10 पॉइंट हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते लाइट एंड फैन सर्किट में, ठीक। और पावर वायरिंग में एक सर्किट में मैक्सिमम लोड होना चाहिए, एक सर्किट में मैक्सिमम जो 2 पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं उन 2 पॉइंट पर कितना लोड हो सकता है, 1000 वाट, 300 वाट, 3000 वाट या 800 वाट। तो हमारा 3000 वाट मैक्सिमम लोड 3000 वाट तक हो सकता है, ठीक है। पावर वायरिंग में जो 2 पॉइंट यूज़ कर रहे हैं 15 एम्पियर सॉकेट सहित, तो उस पावर वायरिंग में जो मैक्सिमम लोड होगा वो हमारा 3000 वाट होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता, ठीक। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं होगा, ठीक है। अगर इससे अधिक लोड हो रहा है तो हम मान लो किसी हम एस्टीमेट बना रहे हैं किसी सर्किट का, ठीक। तो सब उसमें क्या होता है, हमें सर्किट की संख्या निर्धारित करनी रहती है। तो मान लो अगर हमारा लोड जो टोटल पावर वायरिंग की हमें संख्या निर्धारित करनी है, तो लोड हमारा जो टोटल है ना वह हमारा क्या, मान लो हमारा 5000 वाट आ गया, ठीक है, 5000 वाट आ गया। तो भाई 5000 छोड़ो, 4500 वाट आ गया, ठीक, ठीक है, ये 4000 वाट आ गया, सॉरी 4000 मान लो, 4000 वाट हमारा टोटल लोड आ गया। अब क्या है भाई, एक सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकते हैं और 3000 वाट मैक्सिमम हो सकता है। तो 4000 वाट लोड निकल के आया हमने जब कैलकुलेट करा लोड, तो यहाँ पे हमें दो हम सर्किट यूज़ करेंगे यहाँ पे पावर वायरिंग, एक सर्किट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर 3500 भी है, 3500 वाट भी है, तब भी हम दो सर्किट यूज़ करेंगे, ठीक। अब वो हमारी मर्जी है, चाहे एक पे हम 500 वाट ले लें और एक पे 3000 वाट ले लें, ठीक, या फिर आधा आधा ले लें, ठीक, ठीक है, या फिर हम आधा आधा ले लें, ठीक। अगर 4000 वाट है तो या तो 3000 वाट ले लो एक पे और एक पे 1000 वाट ले लो, या फिर 2000 वाट के दो हम सर्किट बना सकते हैं, या फिर एक 3000 वाट का और एक 1000 वाट का सर्किट बना सकते हैं। तो मैक्सिमम लोड जो है एक सर्किट में हमारा 3000 वाट ही रहेगा, और जो हमारा लाइट और फैन सर्किट होता है उसमें मैक्सिमम लोड 800 वाट रहेगा। अगर वहाँ पे हमारा मान लो 800 वाट की जगह 700 वाट आ गया लोड की अगर कैलकुलेशन करी, तो वहाँ पे 900 वाट आ गया या 1000 वाट आ गया। तो 900 वाट की कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक 800 वाट का सर्किट देंगे, एक 100 वाट का, या फिर 450 वाट 450 वाट के दो सर्किट ले लेंगे। और अगर 1000 वाट आ गया तो, या फिर 1000 वाट का 2000 वाट का सॉरी 800 वाट का एक सर्किट ले लो और 200 वाट का एक सर्किट ले लो, या फिर 500 वाट के दो सर्किट ले लो।
ठीक, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम पावर वायरिंग में मैक्सिमम लोड जो है एक सर्किट में 3000 वाट होना चाहिए, और लाइट और फैन वाली वायरिंग में मैक्सिमम लोड 800 वाट होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पावर वायरिंग के कुछ MCQs थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उसके MCQs पढ़ेंगे कल। ठीक है, इसके आगे। ठीक है, थैंक यू।